नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में अभी फिलहाल जजेस की संख्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के 31। अंतिम बार देखो 2009 में एक कानून बना के सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या को 26 से इंक्रीज करके किया गया था 31। लेकिन अभी फिलहाल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस रंजन गोगोई, उनका यह कहना है कि मेरे पास इनफ जजेस नहीं होते काफी बार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को गठित करने के लिए। तो उन्होंने सरकार को पत्र लिखा था कि आप सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या को इंक्रीज कर दीजिए। तो इसके बाद अब कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है, जल्द ही पार्लियामेंट में कानून बना के सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या को 31 से बढ़ा के 34 कर दिया जाएगा, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फायदा इसका देखो सीधा सीधा ये होगा, अभी ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास जो केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उनका निपटारा जल्द हो सकेगा। लेकिन आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया जाता है। देखो, जब सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी तो उस समय ये इमेजिन किया गया था, ये सोचा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का काम होगा संविधान के जब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको इंटरप्रेट करना, लॉ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको इंटरप्रेट करना। लेकिन आज के समय में सुप्रीम कोर्ट अपनी ये तो ड्यूटी ठीक से पूरी नहीं कर पा रहा है, लेकिन हमारे देश में कुछ भी कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। जैसे अभी फिलहाल उन्नाव रेप केस का मामला था, या फिर कर्नाटक में जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई, पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुए, जो भी इंपॉर्टेंट मामला हमारे देश में चल रहा होता है, कोई कंट्रोवर्सी जनरेट होती है, मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। कुछ जो प्रोमिनेंट पर्सन हैं उनकी बेल से संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, मतलब रूटीन के जो मैटर्स हैं उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता रहता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को इंटरप्रेट करना, लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करना, इस चीज पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फोकस नहीं कर पा रहा था। तो आर्टिकल में कहा जाता है अगर देखो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ा के आप 34 से करके 40 भी कर दो तो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस गठित करने के लिए जजेस नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा फोकस जो होगा वो तो रूटीन के बेल मैटर्स पर, रूटीन के कामों पर होगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी कार्यप्रणाली का मैकेनिज्म चेंज करना होगा कि ज्यादा फोकस जो हो उनका वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने पे हो, तब फायदा होगा जजेस की संख्या को इंक्रीज करने का। अदरवाइज तो जजेस की संख्या को इंक्रीज करने का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात ये बोली जाती है आर्टिकल में, जैसे ही कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है एक देखो शेड्यूल तय हो जाना चाहिए हियरिंग का, ओरल आर्ग्यूमेंट्स का, कि इतनी डेट के बाद हियरिंग चलेगी और ये समय होगा ओरल आर्ग्यूमेंट्स का, ताकि केसेस का निपटारा जल्द से जल्द हो सके। अभी देखो काफी बार कई केसेस में ओरल आर्ग्यूमेंट्स काफी दिनों तक चलते रहते हैं। अगर एक शेड्यूल तैयार हो जाएगा ओरल आर्ग्यूमेंट्स का तो इससे सुप्रीम कोर्ट का काफी सारा समय बचेगा और वो समय सुप्रीम कोर्ट डेडिकेट कर सकेगी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करने के लिए। ये देखो इंपॉर्टेंट भी है, मान लीजिए कोई बेल का मैटर है, किसी पॉलिटिशियन को बेल चाहिए, देखो वो मामला उस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब केस में जो पार्टी है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन संविधान के जो प्रोविजंस होते हैं वो उनको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, इससे तो पूरे देश के जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं। तो आवश्यकता ये है रूटीन के बेल मैटर्स की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ अलग मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाए। जैसे देखो कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज में क्लियर डिविजन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों को सुनने के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं और जो बेल रिलेटेड मैटर्स हैं उनको सुनने के लिए अलग से कोर्ट्स हैं। हमारे देश में भी इस प्रकार का प्रोविजन किया जा सकता है। जो 229वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में ये सजेस्ट किया गया था कि एक दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस्टाब्लिश करने के अलावा हमारे देश के 4 अलग अलग रीजन्स में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस इस्टाब्लिश की जा सकती हैं और एक फाइनल एपिलेट कोर्ट होगी रूटीन लिटिगेशन के लिए। अगर देखो ऐसा हो जाता है, अलग अलग रीजन्स में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस्टाब्लिश की जाती है,
तो लो को जस्टिस एक्सेस करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अदरवाइज तो उनको दिल्ली में आना पड़ता है, काफी समय खराब होता है और पैसा भी काफी खर्च हो जाता है। इससे जो केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में उनका निपटारा भी जल्दी होगा। तो ये सब चीजें बोली जाती हैं आर्टिकल में। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।